मनोहर लाल वीरवार को भिवानी के मीठी गांव पहुंचे। इस अवसर पर वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद नायब सूबेदार सोमवीर को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार को संवेदना दी। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हर तरह से शहीद सोमवीर के परिवार के साथ है और हम शहीद सोमवीर की शहादत को नमन करते हैं। उन्होंने कहा, शहीद परिवार को 50 लाख रुपए और सोमवीर की धर्मपत्नी को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा शहीद सोमवीर के नाम को अमर रखने के लिए पंचायत की मांग के अनुसार मीठी में सरकारी संस्था या पार्क का नामकरण किया जाएगा। वीर शहीद सोमवीर, इनकी शहादत पर हमको गर्व है। देश के शहीदों पर हम नाज करते हैं, उनके जाने का कष्ट जरूर है हमको, लेकिन इन शहीदों की प्रेरणा से ही हमारे जवानों में एक स्फूर्ति आती है। देश की रक्षा सुरक्षा के लिए हमारे प्रदेश के जवान हमेशा तत्पर रहते हैं। इसी प्रदेश की जनसंख्या भले हमारी 2% है, लेकिन 10% से ऊपर भागीदारी डिफेंस फोर्सेज में हमारी है। हमें गर्व है, शहीद के परिवार को मैंने सांत्वना दी है और इस परिवार की जैसे हमने योजना बनाई हुई है, एक नौकरी और 50 लाख रुपया वो परिवार को दिया जाएगा। इनकी पत्नी हमें पास है तो निश्चित रूप से उनकी एजुकेशन के हिसाब से इनको नौकरी दी जाएगी। जो भी आवश्यक इस गांव के लोगों को लगता है उसके बारे में हम विचार करके और निश्चित रूप से इस शहीद के नाम को अमर रखने के लिए इनके नाम से कुछ ना कुछ जरूर बनाया जाएगा। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश टीवी।